आपका प्रोडक्ट हमारी कंट्री में एक्सेस करेगा विदाउट पेइंग एनी इंपोर्ट ड्यूटी। वो कौन कौन सी कंट्री है जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो? रिफाइंड पेट्रोलियम भी इंपोर्ट करता है, डाटा तो यही बोल रहा है इंपोर्ट करता है। यूएसए के साथ में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस है, क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए बता दें, आइए मैं दिखाता हूं इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूं। आइए आइए मेरे साथ में, आइए इधर से दिखाइए। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया, यानी वो कौन कौन सी कंट्री है जो कि भारत से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इन्हीं 5 कंट्री को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, अपनी रिसर्च के बेस पे पूरा A to Z रिसर्च और डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आया, इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कोई सा आपका प्रोडक्ट भी उसमें हो और वो आप एक्सपोर्ट करें उस कंट्री में और मैच हो जाए रिक्वायरमेंट्स और जबरदस्त पैसा आप छाप सकते हैं उसमें, तो सारी चीज बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यही देख लेते कि वो कौन कौन सी कंट्री है जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो टॉप 5 कंट्री में सबसे पहले पायदान पे मैंने रखा है यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है। नंबर 2 पे मैंने भारत के लिए रखा है यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक एक करके डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। नंबर 3 पे रखा है चाइना को, बांग्लादेश को नंबर 4 पे और नीदरलैंड को नंबर 5 पे, एक एक करके आ जाते हैं। यूएसए सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है भारत से, क्योंकि यूएसए में बहुत सारे इंडियन लोग भी रहते हैं और जितना भी भारत से एक्सपोर्ट होता है उसका 16-18% हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए के साथ में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है। बाकी कंट्रीज के साथ में देखिए हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, लेकिन यूएसए एक ऐसा कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट वहां से कम कर रहे हैं। तो यूएसए को मैंने चूज करके नंबर 1 पोजिशन पे रखा है। यूएसए क्या इंपोर्ट कर रहा है, 10.20 बिलियन डॉलर का तो डायमंड इंपोर्ट कर रहा है, डायमंड एक्सपोर्ट करिए भारत से इंपोर्ट कर रहा है। मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, दवाइयां, वैसे तो आपको पता होगा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमारे पास गुजरात और हिमाचल प्रदेश 2 स्टेट मिला के मोर देन 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स है, यानी फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो FDA अप्रूव्ड यूनिट्स होना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, मोर देन 5000 यूनिट्स है। और हम यूएसए से ऑर्डर लेते हैं और यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए ने लास्ट ईयर 7.44 बिलियन डॉलर की मेडिसिन इंपोर्ट किया भारत से, ज्वेलरी भी इंपोर्ट करता है, 3.6 बिलियन डॉलर का ज्वेलरी इंपोर्ट किया। ज्वेलरी हम भी यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी कंपनी आरएस ग्लोबल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें भी ये ज्वेलरी टोटल मैंने बताया, इमिटेशन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, किसी तरह की भी कोई भी ज्वेलरी है, ज्वेलरी टोटल 3.6 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है यूएसए ने लास्ट ईयर। रिफाइंड पेट्रोलियम भी इंपोर्ट करता है, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं, हमारे पास गुजरात में रिलायंस और एसआर जैसी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, रिलायंस और एसआर, रिलायंस की तो आपको पता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी है जामनगर में, ये भी एसआर की भी जामनगर में ही है, बड़ी बड़ी रिफाइनरी है। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करके खुद भी यूज करते हैं और बाहर की कंट्री को भी एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए को भी एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोप को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी तो प्रॉब्लम हुई थी ना कि भैया आप रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं और यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं रिफाइंड पेट्रोलियम, ये सुना था ना आपने न्यूज में। सो रिफाइनरी, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी है ना, तो हम उससे प्रोड्यूस करते हैं। सो एग्री प्रोडक्ट, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या खाने पीने की कोई भी चीज है, आपको तो पता ही भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कृषि प्रधान देश है, तो भारत से इंपोर्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, 450 मिलियन US डॉलर का लास्ट ईयर इंपोर्ट किया है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। सेकंड नंबर पे यूएई आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूएई के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है दुबई के साथ में, यानी जिन लोगों को नहीं पता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है उनको भी बता दूं, यानी दोनों कंट्री के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपस में बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट
हमारी कंट्री में एक्सेस करेगा विदाउट पेइंग एनी इंपोर्ट ड्यूटी। हमारा प्रोडक्ट आपकी कंट्री में जाएगा, आप भी इंपोर्ट ड्यूटी मत लेना। या फिर आसान भाषा में बोलूं, अगर मैं दुबई एक्सपोर्ट करता हूं और मेरा जो बायर है उसको इंपोर्ट ड्यूटी देनी नहीं पड़ेगी। मेरा कोई सप्लायर है दुबई से इंडिया में मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। बिल्कुल ट्रू है, इसके बारे में आप रिसर्च करिए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है दुबई के साथ में, यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में। हमारा रिफाइंड पेट्रोलियम भी इंपोर्ट करता है, डाटा तो यही बोल रहा है इंपोर्ट करता है। अब वो इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट भी करता है क्योंकि दुबई एक री एक्सपोर्ट हब है पूरे वर्ल्ड में। सो रिफाइंड पेट्रोलियम लास्ट ईयर 7.98 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है। ज्वेलरी भी इंपोर्ट की, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी। वैसे तो गोल्ड हम इंपोर्ट भी करते हैं, रॉ गोल्ड यानी प्योर बिस्किट रॉ गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं हम दुबई से, यूएई से, लेकिन ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी में चाइना का नंबर 1 पे आता है, हम 2 नंबर पे आते हैं, लेकिन हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो इमिटेशन ज्वेलरी में भी हम नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएंगे। सो ज्वेलरी 3.19 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है यूएई। डायमंड भी 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है। सीरियल्स, अनाज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो अनाज होते हैं, 627 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है यूएई ने। ऑर्गेनिक केमिकल, जैसे मैं बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट होता है, चाइना को भी करते हैं, दुबई को भी करते हैं, तो दुबई ने 614 मिलियन यूएस डॉलर का ऑर्गेनिक केमिकल इंपोर्ट किया। अब हम नंबर 3 की बात कर रहे थे, चाइना। चाइना ने बेसिकली, चाइना भी हमारा बहुत बड़ा इंपोर्टर है, चाइना को भी हम मिनरल फ्यूल भी एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना ने 1.98 बिलियन यूएस डॉलर का मिनरल फ्यूल इंपोर्ट किया है, ऑर्गेनिक केमिकल भी इंपोर्ट किया। गुजरात से तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम चाइना को ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल भी और ऑर्गेनिक केमिकल भी। तो मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिकल की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिकल चाइना ने इंपोर्ट किया 1.63 बिलियन यूएस डॉलर का, फिश, मछली, जो मैरीन प्रोडक्ट है हमारा, है ना। सो मछली भी, फिश भी 1.27 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया। मछली, छोटा सा एक इतना सा आइटम, इतनी बड़ी वैल्यू, यस, मछली खाने वाले चाइना में बहुत है। तो फिश भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन ओर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओर्स, स्लैग्स और एस, जो ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, ये 1.07 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है चाइना ने। साल्ट या जो केमिकल इस टाइप की, साल्ट, सल्फर इस टाइप की जो केमिकल प्रोडक्ट है, 986 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है चाइना ने। आगे बात करते हैं पास की कंट्री, बांग्लादेश। बांग्लादेश को भी बेसिकली पेमेंट साइकिल भी बहुत अच्छा होता है, सस्ता होता है, नजदीकी होता है अगर आप बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं तो। बांग्लादेश रॉ कॉटन हमसे इंपोर्ट करता है, उसका फैब्रिक बना के या रॉ फैब्रिक इंपोर्ट करता है, टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है और फिर उसको स्टिचिंग करके पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। छोटी सी कंट्री है लेकिन टेक्सटाइल इसमें, फैब्रिक में पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है बांग्लादेश में। आप इसके बारे में रिसर्च करके देखिए, कॉटन हमसे वो 2.94 बिलियन यूएस डॉलर का हर साल इंपोर्ट कर रहा है। मिनरल फ्यूल भी 1.96 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। सीरियल्स, अनाज, जो अनाज, इंडिया तो अनाज करने में आगे ही है ना, सो अनाज, सीरियल्स 1.57 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, यानी लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स 841 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया। आपको तो पता ही, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छा नाम है हमारा। मशीनरी, मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल मशीनरी भी 756 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया बांग्लादेश में। नंबर 5 पोजीशन पे आता है मेरा नीदरलैंड। नीदरलैंड पॉइंट पे मैंने रखा है 5 नंबर पोजीशन पे क्योंकि पूरे यूरोप को भारत एक्सपोर्ट करता है। 20% जितना भी भारत से एक्सपोर्ट होता है उसका 20% हम यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं और नीदरलैंड उसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। सो नीदरलैंड मिनरल फ्यूल इंपोर्ट करता है, पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है 9.46 बिलियन यूएस डॉलर का। इलेक्ट्रिकल इंपोर्ट, इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट किया 1.44 बिलियन यूएस डॉलर का। ऑर्गेनिक केमिकल, जैसे हम चाइना को ऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट कर रहे थे, यूरोप को भी करते हैं, स्पेशली नीदरलैंड को, ऑर्गेनिक केमिकल हमसे 1.26 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया। एल्युमिनियम प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स, एल्युमिनियम, हम एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं और यहाँ रिसाइकलिंग करके एल्युमिनियम फिनिश गुड्स या एल्युमिनियम इग्नोट एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को, नीदरलैंड भी उसमें एक है। तो एल्युमिनियम प्रोडक्ट इंपोर्ट किया 927 मिलियन यूएस डॉलर का। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दवाइयां, मेडिसिन, तो इंडिया में पता ही आपको सबसे सस्ती बनती है, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी 480 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया नीदरलैंड में।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा है, डायरेक्ट इंट्रेंस मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू एड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपका आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप? देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, अवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू, कॉल नाउ।